नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट इनसाइट की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बारे में। आईपीएल 2021 से पहले आरसीबी को एक बड़ा झटका लगा है। आरसीबी की टीम पास्ट में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाई और वो एक प्लेयर को ट्रेड करना चाहती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं मिल पा रहा है। सो दोस्तों, अगर आप इस बारे में सारी जानकारी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। पर अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपको ऐसी वीडियोस रेगुलर चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि डेविड मिलर को आरसीबी राजस्थान रॉयल्स से ट्रेड करना चाहती है और आरसीबी चाहती थी कि डेविड मिलर उन्हें मिल जाए, बिकॉज डेविड मिलर काफ़ी अटैकिंग बैट्समैन है और एक ऐसे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है जो आरसीबी के लिए काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। चिन्नास्वामी बैंगलोर में डेविड मिलर का रिकॉर्ड काफ़ी शानदार है और बातें चल रही थी कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ट्रेड करना चाहती है और वो डेविड मिलर होने वाले हैं। आरसीबी चाहती थी डेविड मिलर यहाँ पे को उनको मिल जाए ताकि उनका मिडिल ऑर्डर की प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाए। अगर हम आरसीबी की बैटिंग लाइनअप को देखें तो विराट कोहली और एबीडी के बाद यहाँ पे उनकी बैटिंग खत्म हो जाती। सो वो चाहते थे उनको प्रॉपर मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन मिले, सो वो चाहते थे यहाँ पे को डेविड मिलर को ट्रेड करना। लेकिन दोस्तों, अब खबर आ गई है कि डेविड मिलर को राजस्थान रॉयल्स ने ट्रेड करने से मना कर दिया है। सो ये एक बहुत बड़ा झटका है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए और रॉयल चैलेंजर्स के फैंस के लिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि डेविड मिलर आरसीबी की टीम में आने चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। ऐसी वीडियोस रेगुलर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज हम आपके लिए ऐसी वीडियोस रेगुलर लाते रहते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।